अस्सलाम वालेकुम। सक्सेसफुल ग्रेजुएट के ऊपर आप सभी का वेलकम है। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में बात करेंगे MA MSc के ऊपर। मैंने आप लोगों को एक दिन पहले एक अपडेट दी थी, वो वीडियो सुनने के बावजूद भी स्टूडेंट्स के वही सवाल बार बार आके व्हाट्सएप के ऊपर हो रहे हैं, और मैंने उसमें क्लियर सारा कुछ समझाया हुआ था कि ये किस लिए हुआ है, किन बच्चों के लिए हुआ है MA MSc अनबैन, यानी कि जो बच्चे अब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों नहीं समझ आती इस बात की। मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो काइंडली जो वीडियोस होती हैं ये आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं, तो आप लोग इनको पूरा सुन भी लिया करें। जब तक आप पूरा नहीं सुनोगे, लोग जो है ना यहाँ पर आप लोग बच्चे क्या करते हैं, बस ये थंबनेल देख के भाग के आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर के ये अपडेट है, जबकि वीडियो सुनो तो फिर ही आप लोगों को सारा कुछ क्लियर होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी आप लोगों को मौका देने जा रही है उन बच्चों को जिन बच्चों का MA MSc पार्ट वन पास है और पार्ट टू रहता है, यानी कि उन्होंने कोई पेपर नहीं दिए या पेपर दिए थे फेल हो गए। क्योंकि आप लोगों को पता है 2023 का जो एनुअल था ना, उसमें बच्चों को बोला गया था कि ये पार्ट टू का लास्ट टाइम है एज अ फ्रेश कैंडिडेट, लेकिन बच्चों ने पहली बार पेपर्स दिए थे और बच्चे जो है ना वो दो सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हो गए, जिसकी वजह से होल फेल हो गए और उनको फिर अलो नहीं किया गया सप्ली के एग्ज़ाम में। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है, वो तमाम स्टूडेंट जिनका MA MSc पार्ट वन पास है और MA MSc पार्ट टू रहता है पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से, तो वो स्टूडेंट MA MSc अब अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एडमिशन एक दो हफ्तों के अंदर अंदर आप लोगों के ओपन हो जाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा सक्सेसफुल ग्रेजुएट के ऊपर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको सारी अपडेट यहां से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।